चलो आज बनाते हैं बिना अंडे डाले वेज पैनकेक। तो अंडे के बिना भी ये सॉफ्ट रहेगा। तो इसकी रेसिपी डिटेल में आपको बताऊंगी, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले स्वागत है आप सबका कविता के चैनल में। तो इधर मैंने एक कप जितना दूध लिया है, दूध मैंने थोड़ा सा गर्म लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना, लुकवार्म लेना। तो इसके बाद मैंने 2 चम्मच विनेगर डाला है, उससे क्या होगा कि हमारा दूध फट जाएगा। तो इसके साथ मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप यानी कि आधा कप पाउडर शुगर, उसके अंदर जाएगा पिंच सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और आधी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है। तो इसके अंदर हमने जो दूध फाड़ा था ना विनेगर डाल के, वो डाल लेना है। तो ये फटा हुआ दूध ना अंडे वाला काम करेगा, उससे क्या होगा कि हमारा जो पैनकेक है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा बिना अंडे के। हमें सभी को अच्छे से मिक्स करना है, एक भी गुठलियाँ ना रहे। तो मिक्स भी आप धीरे धीरे से करना, हमें ज़्यादा नहीं हिलाना है, उससे क्या होगा कि अंदर एयर आ जाएगा और हमारा जो पैनकेक है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो हमारा जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगा। तो आप मैंने जो भी मेजरमेंट बताया है उस हिसाब से आपको करना है, तो इस तरह से कंसिस्टेंसी आएगी। उसके अंदर मैंने फ्लेवर के लिए 4 ड्रॉप वेनिला एसेंस डाला है, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालो। 3 चम्मच मेल्ट किया हुआ बटर डाला है, उससे क्या होगा कि पैनकेक के अंदर थोड़ा सा बटरी सा टेस्ट आएगा। तो हमारा बैटर रेडी है। इधर मैंने 1 तवा लिया है, तो ज़्यादा बैटर को ना हिलाते हमें ना ऊपर से ही उसको डाल देना है, वो अपने आप ही फैल जाएगा। देखो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ऊपर से डाल लो, अपने आप ही इसका जो राउंड शेप है वो बन जाएगा। थोड़ी देर के बाद हमें उसको फ्लिप करना है। पैनकेक को हमें धीमी आंच पर ही पकाना है। तो हमारे जो सॉफ्ट वाले जो पैनकेक है वो तैयार है, तो थोड़े से कच्चे हैं, तो हमें और एक बार फ्लिप कर रही हूँ। देखो हमारे जो जैसे मेरे को चाहिए था कलर, वैसे ही कलर आ गया है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल जो डोरा केक रहता है ना, जो हम डोरेमोन में देख रहे थे डोरा केक, वैसे ही बना है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, पर हम थोड़े सा क्रीम डाल के डालेंगे। तो इधर अभी मैं बड़े बड़े वाले पैनकेक बना रही हूँ, आप कोई भी शेप के बना सकते हो। देखो मेरे एक वाला पैनकेक जल गया है, क्योंकि मैंने उसको फ्लिप करने में थोड़ा सा टाइम लगाया है, तो आप फटाक से उसको फ्लिप करना। तो इधर मैंने छोटी साइज के पैनकेक बनाया है, ये मेरे बच्चे के टिफिन बॉक्स के लिए है। तो देखो मेरे पैनकेक तैयार है, अभी हम इसमें क्रीम डालेंगे। आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हो या फिर हनी भी डाल सकते हो, कुछ इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप इसके ऊपर बनाना, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी स्प्रिंकल डाल सकते हो, बिकॉज ये दिस इज़ अ वन टाइप डिज़र्ट, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा सकती हूँ, एकदम सॉफ्ट और नरम है, फ्लफी है, अंडे के बिना बहुत ही बढ़िया बना है। तो आप इसके बैटर को फ्रिज में 3-4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, इसको कुछ भी नहीं होता है। आप यह डिज़र्ट मेहमान आने पर कभी भी बना सकते हो, तो बच्चों को भी पसंद आएगा, तो टिफ़िन बॉक्स के लिए भी आप बना सकते हो। ऐसे नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।